अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और ये है जी मेरी फ़र्स्ट वीडियो, मेरे यूट्यूब चैनल का आगाज़। दिस इज़ माय फ़र्स्ट व्लॉग और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो एक शॉर्ट सी छोटी सी वीडियो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। अभी मेरा मुझे बोलना भी जो है ना वो भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो जनाब ये है हमारा एक छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा सा एक पार्क है, ग्राउंड बना हुआ है फुटबॉल के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो मैं बाहर निकली थी वॉक करने के लिए, ये मेरा छोटा बेटा जो है ना ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो वॉक करने के लिए निकली थी, मैंने सोचा ये थोड़ा सा खूबसूरत सा जो मंज़र है ना वो मैं आप लोगों के लिए भी कैच करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शाम का ये मंज़र। तो काफ़ी देर से हम निकले हुए थे, मुझे अचानक याद आया तो मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल तो मैंने बना लिया हुआ है तो मुझे अब उसके लिए जो है ना वीडियो भी बनानी चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी बताएं कि आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगेगा मेरे चैनल में, तो मैं वो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया करूँगी, अपनी डेली रूटीन और मैं स्कॉटलैंड में कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ एज अ हाउस वाइफ। तो जनाब ये एक ग्राउंड है हमारे पास ही है घर के और उसके साथ छोटा सा पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए। तो पहले तो यहाँ पे काफ़ी कुछ था लगा हुआ लेकिन अब सारा कुछ वो ले गए हैं। आई होप कि इन्होंने वो दोबारा से असेंबल करनी है न्यू चीज़ें, आई डोंट नो, लेकिन लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। तो पार्क से बाहर निकलते ही ये बना हुआ है एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और साथ ही इसके जो है ना वो ये एक टेस्को मार्केट है हमारे पास ही है घर के। तो वहाँ से मैंने लेनी थी अपने बेटे के लिए वाटर बॉटल, बाकी तो स्कूल की सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी और अब कह रहा था कि वाटर बॉटल रह गई है। गए थे हम उस शॉपिंग सेंटर छोटे बच्चों के लिए ले ली, लेकिन इसको थोड़ा ये है कि मैं अब हाई स्कूल में जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ी डिफरेंट सी चाहिए। तो चलें देखते हैं, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है तो जो इसको पसंद है फिर बच्चों की माननी पड़ती है, क्या करें। तो चलें देखते हैं, छोटा सा टूर मैं करवाने की कोशिश करूँगी आपको टेस्को का, अगर मुझे वीडियोस की परमिशन मिली तो। जी जनाब हम आ गए हैं टेस्को और एंटर हो चुके हैं। कौन सा कार्ड है? तो महंगा ये वाला नहीं है, ये जो है हाँ एक्सपेंसिव कर दिया इन्होंने, पहले 15 का था ना, 16 का था। अच्छा चलो खैर देखते हैं। अहमद ये देखो ये वाली किस साइड पे है, ये देखें जी कितनी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, वाज आए हुए हैं टेस्को में और मार्केट में आ जाओ तो दिल करता है कि बस सारी चीज़ें जो है ना सारी चीज़ें उठा के घर ले जाओ, हर चीज़ इतनी अच्छी लगती है। लेकिन ये कि जब फिर जाके पैसे बनते हैं ना फिर वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ तो कहाँ है बेटा आपकी वाटर बॉटल, इस साइड पे? नहीं
बी केयरफुल। ओके, ये तो आपके पास है, ऑलरेडी है आपके पास लंच। कौन सी? पीछे नहीं, बैग पे देखो, शायद बैग पे हो। कौन सी वाली थी वो? प्ले स्टेशन की। अच्छा, थैंक यू। ये वाली थी जी, सामने नहीं थी लेकिन उन्होंने जो है वो अंदर से स्टॉक से ला के दी है। यहाँ पर बच्चे जो है ना वो बिल्कुल बात नहीं सुनते, इनको यही होता है कि बस हमने पूछना नहीं है। वेरी नाइस, कितनी अच्छी है अहमद, है ना? क्या प्राइस है इसकी? 17 pounds। नाइस है। तो मैं अक्सर इसको कहती हूँ कि आप लोग जो है ना वो अगर सामने कोई चीज़ ना नज़र आए तो आप लोग पूछ लिया करो वर्कर से, मे बी हो इनके पास, लेकिन जो इनको पसंद नहीं है पूछना, मुश्किल से जो है ना इनको कहना पड़ता है। यहाँ पे देखें सेल लगी हुई है और छोटे बच्चों के जो है ना कपड़े वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, जब सीज़न आउट हो रहा होता है ना तो फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे लगा देते हैं। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, हालोवीन के लिए भी कुछ ड्रेसेस लगे हुए हैं, अच्छे हैं, नाइस हैं। मेरा अब कोई इतना बच्चा नहीं है वरना मैं ले ही लेती कुछ। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख के पता नहीं मेरा दिल करता है बस मैं सारे उठा के ले जाऊँ, लेकिन अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। ये ले ली थी थोड़ी सी आइसक्रीम बस, और तो कुछ खास नहीं लेने वाला। तो और तो नहीं है मैं कुछ लेना, कुछ माइंड में है स्कूल के लिए, बाकी जो है ना कल कर लेंगे शॉपिंग, ठीक है ना? बाहर जो है वो काफ़ी अंधेरा हो चुका है, अब बस भाग भाग के जा रहे हैं कि घर फटाफट पहुंच जाएं क्योंकि नमाज का टाइम है, और ये ना हो कि वॉक के चक्करों में ना हमारी नमाज जाती रहे। तो मैं जनाब, सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल समझ नहीं आती कि आपने बात क्या करनी है, क्योंकि हर चीज़ में आपको ना जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई थी अपने, आप जाओ मैं इधर से आ जाती हूँ, मैं हाँ इधर से आ जाती हूँ, आप उनके पीछे जाओ। तो मैं बात कर रही थी कि पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई थी, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और बस व्लॉगिंग कर करके मैं थोड़ी सी क्या डिसहार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको कोई आपकी मेहनत का कोई अच्छा सिला ना दे तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो ये था कि फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि नहीं तुमने क्यों छोड़ा है, तुम दोबारा से स्टार्ट करो। मैंने इसी टेंशन में गुस्से में अपनी सारी की सारी वीडियोस जो है ना वो मैंने डिलीट कर दी थी। तो अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है, और इस होप के साथ कि आप लोग जो अब वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सम आई थिंक 2 ईयर तक हो ही गए थे मुझे, मतलब स्टार्ट किए हुए चैनल को, और मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, और मैं डेली व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन बस क्या कहते हैं एमी जहन में आया कि नहीं छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर मोटिवेशन मिली कुछ लोगों से,
मैंने कहा कि ट्राई करने में हर्ज नहीं है, आप दोबारा से स्टार्ट करो, हो सकता है आपको अच्छा रिस्पांस मिले और आप इस दफ़ा जो है वो नई उम्मीद लेके चलो तो हो सकता है अल्लाह ताला कामयाब करे। तो हम जा रहे हैं जी, रास्ते में हैं अभी, और अब मैं जा रही हूँ घर बच्चों को लेके। आज बड़ी मुश्किल से इनके पापा को कहा था कि आप भी साथ चलें, वरना ये माओं की ड्यूटी है। खासतौर में जो यूरोप कंट्रीज़ में रह रही हैं ना मदर्स, सारी ड्यूटीज़ उनकी होती हैं जी, बच्चों को लेके जाना, छोड़ना, स्कूल लेके आना, पार्क लेके जाना, ग्रॉसरी वगैरह, एवरीथिंग। हस्बैंड ने बस जॉब पे जाना है और बस आके कहना खाना रेडी है, चलो ठीक है, उसके अलावा बस कोई काम ना कहो इनको। तो खैर आज जो था उन्होंने बात मान ली, और मैंने कहा कि सुबह से बच्चे जो हैं वो स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे बैठे हुए हैं सुबह से, तो इनको लेके बाहर चलते हैं। कहते हैं एक ही शर्ट पे जाऊंगा अगर तुम जाओगी साथ। तो सांस फूल गया मेरा तो फिर मैं जो है ना वो आ गई, और मैंने कहा चलो इसी बहाने मेरी भी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, और मैं अब स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह जिम वगैरह भी। अब बच्चों का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे को, उसके बाद मैंने सोचा मैं अपनी तरफ भी थोड़ी अब अटेंशन दूँ। काफ़ी टाइम हो गया, बस लेज़ी लेज़ी टाइम गुजरा है। छुट्टियों में कोई प्लान भी नहीं था हमारा कहीं जाने का, तो इस दफ़ा छुट्टियों में बड़ी बोरियत रही है, घर पर ही गुजरी हैं सारी बच्चों की हॉलीडेज़, तो फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने स्क्रीन पर स्पेंड किया है, तो टेंशन होती है देख देख के ना कि कैसा दौर आ गया हुआ है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, और कोई एक्टिविटी नहीं है ख़ास तौर पे, ये यूके में तो ख़ास तौर पर कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए। कुछ वेदर इस तरह के एक्टिविटीज़ हों भी तो फिर वेदर की वजह से ये होता है कि क्या लेके जाना है इनको, कहाँ लेके जाना है, घर पर ठीक है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा नहीं है, तो बस इसी तरह इन्हीं सोचों में टाइम गुजर जाता है। मेरा सांस फूल गया, बाकी बातें मैं घर जाके करूँगी, ठीक है, ओके जी। तो मैं आ गई थी घर, आके बच्चों को नमाज़ वगैरह पढ़ाई, खुद पढ़ी और सारा काम फिनिश करके अब मैं मज़ेदार सा चाय का कप बना के तो बैठ गई हूँ। साथ मैंने लगा लिया है व्लॉग ज़ुबैर रियाज़ का, टूरिस्ट प्लेस जो है मुझे वो टूर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और व्लॉग्स जो हैं वो भी मुझे इसी तरह के देखने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लगा लेती हूँ, और साथ जो है वो चाय का कप ना हो तो उसके बगैर तो फिर लाइफ अधूरी लगती है ना, चाय के बगैर तो नींद इतनी आती है, आंखें ही नहीं खुलती अगर आप दिन में चाय ना पियो दो दफ़ा। मैं तो सिर्फ दो दफ़ा पीती हूँ, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम पीते हैं, लेकिन इसके बगैर जो है ना लाइफ अधूरी है बिल्कुल। आप लोग बताइएगा मुझे कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और मुझे बताएं कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या लेके आऊं। और मैं इंजॉय करती हूँ एक मज़ेदार सी चाय, और आप लोग भी बना के पिएं अगर इस टाइम आप लोगों के पास टाइम है तो। ज़ाहिर है जब भी व्लॉग देखें बैठ के तो फिर फ्री टाइम में ही ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो साथ चाय का एक कप हो जाए तो फिर ज़रा मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ठीक है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोगों के लिए भी मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई बात लेके, एक नए दिन के साथ, एक नई रूटीन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।